नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की। चुनावी मौसम में बसपा और कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी को झटके पर झटका देते हुए ठिकाने तलाशने में लगे हुए हैं। अब कांग्रेस को फिर से झटका लगा है, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शबाना खंडेलवाल ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि शबाना खंडेलवाल काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थी और जब उनकी बात बन गई तो वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। देखिए, हृदय परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है। जब साक्षात मुझे ये चीजें नजर आई, कृष्णा जी ने ये कहा कि आपने अगर आबे जमजम की बात की थी तो आपको भी गंगा जल स्वीकार करना ही पड़ेगा, आपको भी हमारी जो नीतियां हैं उनसे प्रेरित होना ही पड़ेगा। तो हृदय परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है। और हमेशा से मोदी जी ने कहीं भी, आदरणीय मोदी जी ने कहीं भी कोई स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया जो किसी भी जाति को ठेस पहुंचाने वाला हो। बाकी लड़ाई है अपनी अपनी पार्टियों की, मंच की लड़ाई थी। आज मैं उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित हूँ, उनके डिसीजन पावर से बहुत प्रभावित हूँ, उनकी महिला रक्षा से बहुत प्रभावित हूँ। महिलाएं सुरक्षित हैं, आज कानून व्यवस्था बहुत सही है, दुरुस्त है, इसलिए मैं उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए मुझे लगता है कि अब तक का समय जो मैंने जहां बिताया वो तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। चुनावी समय है, ऐसे में दल बदलने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। अब कांग्रेस को फिर से झटका लगा है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शबाना खंडेलवाल ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। साथ ही बीजेपी की जमकर तारीफ भी की। शबाना खंडेलवाल काफी दिनों से बीजेपी के संपर्क में थी और उनकी जब बात बन गई तो कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, जब कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा तो शबाना ने क्या कुछ कहा? जी बिल्कुल शिखा, मैं आपको बता दूं कि जब शबाना खंडेलवाल, जो कि आगरा से कांग्रेस की जो वरिष्ठ महिला जो नेत्री है, इन्होंने विगत इतवार को ही, जो रविवार की जो शाम थी, उसको बीजेपी का दामन थामा और वहीं लखनऊ में जाके उन्होंने सदस्यता ग्रहण की। इसके बाद इन्होंने कल शाम देर शाम पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि इनका सीएम साहब का जो है योगी, और उनको जी विचारधारा से प्रभावित नजर आ रही है। जी तो क्या लंबे समय से ये संपर्क में थी बीजेपी के? जी बिल्कुल, सूत्रों के मुताबिक उनका जो संपर्क था बीजेपी से लगातार जारी था। जब उनकी बात बन गई तो वो बीजेपी से पूरी तरह मीडिया के सामने आते हुए जुड़ गई। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता जुड़ी थी आगरा से। लखीमपुर खीरी के बजाज ग्रुप की चीनी मिल को गन्ना किसानों का पिछले साल का भुगतान अब तक नहीं देने के बाद आक्रोशित किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले बजाज ग्रुप की चीनी मिल के गेट पर धरना करते हुए गन्ना सप्लाई बंद करवा दी है। वहीं गोला कचीनी मिल के कांटा गेट पर 5 दिनों से धरने पर बैठे किसान मजदूर संगठन वीएम सिंह ग्रुप जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा ने जानकारी दी है कि अगर मिल प्रबंधन और प्रशासन ने बिना बकाया भुगतान किए धरने को जबरन उठाने और गन्ने की तौल शुरू की तो उस स्थिति में वो आत्मदाह कर लेंगे। लल्लू राम क्या परेशानी हो गया? अरे हमको परेशानी है, हम आपके खेत में ठेका बांटे हैं, पैसा देते हैं, यहाँ पैसा नहीं मिलता है। अब लड़का बच्चे शादी करना है, बहुत परेशान, क्या करें क्या ना करें, क्या कुएं में डूब जाए या ताल में डूब जाए, कैसे क्या ये बेड़ा पार होगा। हम इस बात के लिए बहुत परेशान हैं, इसीलिए हम आए। पैसे टके का भुगतान भी नहीं होता है, पुराना भी नहीं मिलता है, अब नया चल रही है।
तो गन्ना भुगतान बकाया को लेकर लगातार लखीमपुर में चीनी मिल के पास प्रदर्शन पे बैठे हुए किसानों, और उन्होंने अब सख्त बातें भी कही हैं कि अगर बिना भुगतान के धरने को खत्म कराने की कोशिश की जाती है तो आत्मदाह करने की कोशिश करेंगे किसान। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर नीट पीजी काउंसलिंग की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर है, जबकि हड़ताल के दौरान मेडिकल कॉलेज में मरीजों को इमरजेंसी सेवा दे रहे हैं। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को भी अब पूरी तरह से बंद कर दिया है। वहीं कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के दस्तक से सरकार पहले ही चिंतित है, तो वहीं कई जिलों से मरीजों को तड़पते हुए उपचार के लिए लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी और ओपीडी सेवा ठप होने के चलते मरीजों को उनके घरों का रास्ता दिखा दिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जो गरीब तबके के लोग दूर दराज क्षेत्र से उपचार कराने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे हैं, जिसमें मरीज सहित उनके तीमारदारों को भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी हम लोग पिछले 10 दिनों से हमने रूटीन सर्विसेज बंद कर दी थी, और हमने सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि अगर हमारी मांगे जो पूरी नहीं होती हैं, जल्द से जल्द नीट पीजी की काउंसलिंग नहीं होती है, तो आगे हम इमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे पूरे इंडिया में। तो कल हमारे पूरे दिल्ली में भी इमरजेंसी बंद हो गई, तो हम लोगों ने भी कल इमरजेंसी बंद कर दी है, और हम सरकार से चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो नीट पीजी काउंसलिंग। अलीगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में टप्पल गांव कोटा का निवासी अपना डेंगू का इलाज करवाने के लिए परिजनों को अस्पताल में भर्ती कराया, तब उसकी हालत ठीक थी, लेकिन भर्ती कराने के कुछ घंटे बाद ही मरीज की हालत बिगड़ने लगी, तो डॉक्टरों में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों के इलाज करने के बाद भी मरीज की हालत में सुधार नहीं हो पाया। हालत बिगड़ते देख हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मरीज को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पर हंगामा कर दिया। वहीं परिजनों का कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे मरीज की जान गई है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस के आने के बाद स्थिति को काबू में लाया गया, प्रशासन ने मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कहना था कि मरीजों के द्वारा बेवजह आरोप लगाए गए हैं। मरीज को लेकर के मामला ये हुआ है कि रात गंभीर अवस्था में आया हुआ था ये। कितने बजे करीब? 1:10। किस बीमारी से ग्रसित था मरीज? डेंगू था इसको, प्लेट काउंट काफ़ी कम थी और ब्लीडिंग हो रही थी। तो फिर आपने किस तरीके से ट्रीटमेंट किया? ट्रीटमेंट हमने तो मना किया था इनसे, उन्होंने कहा कि एक बार प्रयास करके देख लीजिएगा। आपने जो ट्रीटमेंट किया आपने किस तरीके से किया? प्रयास किस तरीके से किया? प्रयास ये किया, इसको हाई टेम्परेचर था, टेम्परेचर उतारने के लिए थोड़ी सी दवा दी गई, टेम्परेचर नॉर्मल हुआ, नॉर्मल होने के। फतेहपुर में वन्य जीव मंत्रालय भारत सरकार की एक टीम देहरादून से चलकर गंगा नदी में स्टीमर के सहारे एक रिसर्च कर रही है, जिसमें रिसर्च का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी में डॉल्फिन मछलियों की संख्या, गंगा नदी में प्रदूषण कितना है और समुद्र तल की ऊंचाई से गंगा नदी में गहराई कितनी है, इन तीनों विषय पर टीम रिसर्च कर रही है। इस टीम के साथ में जिस भी जिले से गुजर रही है वहां की वन विभाग टीम भी सहयोग कर रही है। टीम ने भिटौरा ब्लॉक ओम घाट से लेकर असनी घाट तक रिसर्च करने के बाद प्रयागराज की तरफ रवाना हो गई है। लखीमपुर खीरी में वन रेंज के गांव रानी नगर सिद्ध बाबा मंदिर के नजदीक सड़क किनारे खेतों में एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि बीती देर रात कुछ स्थानीय युवक अपनी कार से पलिया से संपूर्ण नगर अपने घर जा रहे थे, तब वो रानी नगर पहुंचे तो उनको खेत में एक तेंदुआ चहलकदमी करता दिखाई दिया, जिसको देखकर युवकों ने शोर मचाया तो तेंदुआ वहां से भागकर गन्ने के खेत में चला गया। संभल के गांव मऊ भूड़ में 9 दिसंबर को शहीद मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस दिन आजादी हिंद के मतवाले शहीदों को किताबें अकीदत श्रद्धांजलि दी जाएगी। कार्यक्रम के आयोजनकर्ता फिरोज खान ने बताया कि 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले जौहर महोत्सव कार्यक्रम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 9 दिसंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो वहीं 10 दिसंबर को नशा मुक्ति कार्यक्रम चलाया जाएगा। 10 दिसंबर को जो हमारी नई नस्ल
देश का उज्ज्वल भविष्य नशे की लत में डूबता चला जा रहा है और अपने जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है। उनके प्रेरणा स्रोत महिला पुरुष कुश्ती गामा पहलवान कप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे नौजवान और बच्चों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। ये उसका प्रेरणा स्रोत होगा और वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, देश का उज्ज्वल भविष्य नशे से दूर होगा। नशा मुक्त भारत बनाने का हमारा संकल्प है। 10 दिसंबर को उसी के प्रेरणा स्रोत जो है राष्ट्र स्तरीय 2 दिवसीय महिला पुरुष गामा पहलवान कुश्ती कप का आयोजन मदरसा मौलाना मोहम्मद अली जौहर के तत्वावधान में गामा पहलवान महिला पुरुष कुश्ती ग्रामीण खेलकूद। अलीगढ़ में गौ सेवा समिति गौशाला ने लगातार तमाम तरह के नए आयाम गौशाला को दिए जा रहे हैं, जिसने न कि गौशाला का वर्चस्व बढ़ता दिखाई दे रहा है बल्कि क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश में भी गौशाला को अलग सम्मान मिलता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि अब अलीगढ़ मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर इगलास तहसील के गाँव मोहनपुर गौशाला का नाम विदेशों तक प्रसिद्ध होने वाला है, जिसको लेकर गौशाला संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि काफी लंबे समय से उन्हें गौवंश पालने का शौक था। पिता की जमीन पर गौवंश पालने का काम किया था, धीरे धीरे गौशाला का निर्माण करवाया गया, उसके बाद अब एक सरकारी गौशाला के रूप में बड़ी गौशाला के वो संचालक बन गए हैं। आलम यह है कि गौवंश से निकलने वाले गोबर से बने गोकास्ट विदेशों तक प्रसिद्ध हो चुकी है। लोगों की तरफ से लगातार मांग भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी उनकी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। खबर बिजनौर के चांदपुर मोहल्ला पक्काबाग की है, जहां एक सिख परिवार रहता है। उस परिवार के सभी लोग पुड़े में रहते हैं। ये लोग अपने घर चांदपुर में शादी समारोह में आए थे और घर के सभी लोग नूरपुर किसी शादी समारोह के फंक्शन में गए हुए थे। जब सभी लोग अपने घर वापस आए तो इनके परिवार के लोगों ने दूध की चाय पी। चाय पीने के कुछ समय बाद ये सारे लोग बेहोश हो गए। इसी बीच उनके घर में कुछ लोग आए जो 3 मोबाइल जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के सरैया गांव महाराजगंज राजमार्ग पर भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। स्कॉर्पियो के खाई में पलटने से चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में बैठे 2 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिसकी वजह से खाई में पलट गई स्कॉर्पियो। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो स्कॉर्पियो चालक की दुर्घटना में मौत हो गई। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र के सरैया गांव महाराजगंज राजमार्ग की ये घटना बताई जा रही है, जहां सड़क हादसा हुआ है। भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ओम शंकर जुड़ चुके हैं। ओम शंकर, किस तरह हुआ ये भीषण सड़क हादसा? देखिए, ये लोग मांगलिक कार्यक्रम में गए थे, वहां से देर रात वापस आ रहे थे अपने घर के लिए। रफ्तार गाड़ी की बहुत ज्यादा थी और एक पेड़ वहां पर लगा हुआ था, जिससे टकराकर ये गाड़ी खाई में पलट गई। चालक की मौके पर ही मौत हो गई। शेष 2 लोगों की हालत बहुत गंभीर है, जिनको ट्रामा सेंटर के लिए रिफर किया गया है। जी, कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है ओम शंकर? ये रात 1 से 2 बजे के बीच की घटना बताई जा रही है। जी, और इस वक्त गंभीरों की हालत कैसी है? गंभीर का इलाज जारी है लखनऊ के ट्रामा सेंटर में। उसके बाद जो है जानकारी जरूर मिल पाई है कि ये सभी लोग क्षेत्रीय लोग थे और एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस जा रहे थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर जुड़े थे रायबरेली से। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।